हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली अदर है। मेरा नाम अली अदर। पीएम मोदी जी का एक वीडियो आ गया है, टाइटल है पीएम मोदी परफॉर्म दर्शन एंड पूजा एट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में हमने सुना तो है, लेकिन आज मोदी जी के साथ हम देखेंगे किस तरह पूजा और दर्शन होता है। तो प्ले करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शैलेंद्र, ये मैं आपको थोड़ी देर रोक कर ये बताना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में, उस धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले देवादिदेव शंकर महादेव को काशी विश्वनाथ की नगरी में, भगवान विश्वनाथ को, भोले बाबा को सिर नवाने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र, जब हम प्रधानमंत्री की किसी यात्रा को देखते हैं, और आपसे नहीं पिछले 10 वर्षों देख रहे हैं, आध्यात्मिकता धार्मिकता वो ज़रूर जुड़ी होती है, तो विकास के कई मायने हैं, यानी भौतिक विकास ही नहीं, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की भी बात होती है। देखिए निखिल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास यात्रा की बात करते हैं, हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और न केवल हम आर्थिक तौर पर देखें, बुनियादी ढांचा जो हमने देखा, बदलाव देखने को मिल रहा है, एक ऐतिहासिक चाहे वो पुलों का निर्माण हो या फिर रेलवे लाइन नेटवर्क का विस्तार हो, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा है वो दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने काशी आए थे, उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। हमने देखा कि किस तरह से ये स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर जो घाटों की सफाई का काम 2014 के बाद आगे बढ़ाया गया था, और आज काशी के घाट किस तरह से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं, वो दृश्य हम अक्सर देखते हैं। और आज अब इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पहुंचे हुए हैं, और ये देखें, इसका जब एक तरह से देखें कायाकल्प हुआ था, तो वो तस्वीरें सबने देखी थी। आज आप कितने आसानी से गंगा नदी में स्नान करके आप काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि जब किस तरह से एक कठिनाई का सामना करना पड़ता था दर्शन करने के लिए, और आज इतने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक जो भारत की गौरवशाली संस्कृति रही है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप काशी की ही बात ना करें, हम जानते हैं कि 22 जनवरी को जो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, और हमने देखा कि दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से शताब्दियों से जो इंतजार था वो खत्म हुआ था। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, जितना संभव हो सकता है वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत हो, वहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत हो, जी बिल्कुल शैलेंद्र, काशी तो उनका संसदीय क्षेत्र है। जब काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, तो ये फोकस जो काशी पे है वो विशेष रहने की बात बहुत वाजिब है। और काशी भी अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है, भगवान शिव शंकर की नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है। देखते हैं सड़कें चौड़ी हुई है, जो भूमिगत केबल हुई है, हम बिजली के तार लटके पाते थे, घाटी आप घाटों पर जाएं तो आप देखें कि वहां पर साफ सफाई अब बहुत बेहतर हुई है, काशी के घाट आप पूरी तरह से बदले नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें जो काशी की जो सांस्कृतिक पहचान रही है, उसको निखारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया, और आप इस वक्त इस परिसर को ही देख रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत दृश्य डीडी न्यूज के जरिए देश और दुनिया के दर्शक देख रहे हैं। तो काशी में आर्थिक विकास को तो गति दिया ही गया है, काशी के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया है, काशी में हम देखते हैं कि तमाम रेलवे नई गाड़ियों का सबकी सौगात काशी की जनता को मिली है। आप काशी में देखें तो वहाँ परिवहन के साधन बेहतर हुए हैं। इसके साथ ही साथ काशी आने जाने के जो तमाम मार्ग है, वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, उसको बेहतर बनाने की शुरुआत हुई है, और काशी के आसपास के इलाके जो दर्शनीय स्थल है उनको वहाँ पर विकास किया गया है, और वो इससे दिखता है। लेकिन इसके साथ ही साथ काशी में स्थानीय दस्तकारों और स्थानीय
जो कलाकार हैं उनके विकास की तो चिंता की गई है। आप देखिए काशी से थोड़ी दूर पर जो सब्जी का उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ किस तरह से जो काशी की सब्जियां हैं वो आज दुनिया में निर्यात की जा रही है, काशी से आम एपीडा के माध्यम से दुनिया में जा रहा है। तो काशी के मॉडल के जरिए भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसकी एक झलक आप वाराणसी में देखते हैं, जहाँ सिर्फ बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास पर फोकस नहीं है, जहाँ पर सामाजिक तौर पर किस तरह से अलग अलग समूहों को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उनके उत्थान और उनके मजबूत होने पर काम किया जा सकता है, उस पर भी आप एक झलक उसकी काशी में देखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल है, जहाँ पर जहाँ एक तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ पर नए हाईवे का निर्माण है, जहाँ नई रेल लाइन का निर्माण है, नई नई रेलगाड़ियों की शुरुआत है, तो वही दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक जो स्थान है उनके उनकी पहचान को और मजबूत करना है, स्थानीय दस्तकारों की चिंता है, स्थानीय लोगों की चिंता है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया है, और उसको आगे बढ़ाते हुए हर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को आगे बढ़ाने की तरफ सोचा गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास में अधिकतम जो चिंता है वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जाए, और किस तरह से स्थानीय पहचान को मजबूती देते हुए स्थानीय संस्कृति या भारत की संस्कृति को सहेजते हुए लोगों का साथ लेते हुए विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, जिसे हम समग्र विकास कहते हैं, सबका विकास कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से सबका विकास कहते हैं, उस अवधारणा को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, काफी उसके एक मॉडल के तौर पर उभरी है और दुनिया देख रही है। निखिल जी 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 निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घर के लिए पहुंचकर पूजा करते हुए, साथ में उनके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना प्रारंभ है। अद्य श्री ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असी वरुणयोर्मध्ये कल्याणार्थं देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त भारतीयानां धर्मबुद्धि लाभार्थं कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षयद्वारा धर्मार्थ काममोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थं विशेषतः आगामिनि निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम करिष्यामि। शैलेंद्र आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ की भगवान विश्वनाथ की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। किस तरह से ये जो एसोसिएशन है इसको देखते हैं, आपने कहा कि टिकट पाने के बाद जिसको कहते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार निर्वाचित होंगे इसमें कोई संशय नहीं है और ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उनका एसोसिएशन है काशी के साथ साथ और जो विश्वनाथ इस मंदिर के साथ में जो भगवान विश्वनाथ के साथ में वो भी अभूतपूर्व है, क्या कहेंगे आप? निखिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवभक्त है, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतक ये प्रयास करते हैं कि जहां पर जहां संभव हो सके वो शिव मंदिरों में जाते हैं, और अपने संसदीय क्षेत्र में जब भी वो आते हैं अक्सर ये कोशिश करते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, और खास तौर पर जब शिवरात्रि, हम जानते हैं कि शिवरात्रि के ठीक बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काशी की जो सांस्कृतिक पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और जब भी यहाँ पर किसी का अभिनंदन किया जाता है, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिवभक्त के तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर आप दुनिया देखती है तस्वीरों में जब वो शिव के भगवान बाबा भोले के दर्शन और उनके पूजन अर्चन करते दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उनके नाम को घोषित किया है और जैसे ही उन्हें समय मिला वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं, अपने व्यस्त दौरे के बाद आज काशी पहुंचे हैं और सबसे पहले एयरपोर्ट से हमने देखा कि 28 किलोमीटर से लंबा रास्ता जहां पर भव्य स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की आम जनता के द्वारा किया गया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं, बाबा भोले बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी हमने देखा कि देश भर में कई जगहों पर जब वो मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं ये उनकी आस्था को भी दिखाता है और ये तस्वीरें एक तरह से भी दिखाती है कि जो काशी की पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तो बाबा भोले के दरबार जरूर आते हैं। जी निश्चित तौर पर, और ये जो तस्वीरें हैं वास्तव में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो आपने आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बात कही वो ये देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री रुद्राभिषेक की ये जो प्रक्रिया है उसमें जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण उतव ब्रुहु सुमंगला जे चैन गो रुद्रा अभिदोषिता वैखा गुहे दई महे अघौ योम सर्वदिनी लग्रीवो विरोहिता उलगाति नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्रागे अथो जे अस्वानो हंते वैखवे नमः बाहुभ्याम नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकासिनी तयान तन्वा गिरिशंका विनसुमना असता अध्यवो चदधिवक्ता प्रथमो ते वैखवे नमः बाहुभ्याम नमः जाते रुद्र शिवा। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व है शैलेंद्र। जब हम बात करते हैं पीते एक दशक में जिस तरह से और खास तौर पर बीते कुछ वर्षों में, दो वर्षों में काशी तमिल संगमम उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का सेतु बना, तो सांसद सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता ने हर आयु वर्ग को कला मेधा के साथ में जोड़ा, तो प्रधानमंत्री ने जो आप कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हर आदमी का ध्यान दिया और संवेदनशीलता जो है वो उनकी एक बड़ी थाती रही है। और जब कोई राजनेता संवेदनशील होता है तो वह ऐसे विषयों को जरूर न सिर्फ भांप लेता है, जान पाता है, बल्कि उसके लिए काम करता है। और काशी के लोग शायद इस मायने में मैं कहूंगा कि भाग्यशाली हैं कि उनको प्रधानमंत्री जैसा सांसद मिला है। निश्चित तौर पर काशी सिर्फ अपने सांसद को नहीं चुनती, अपने अपने प्रधानमंत्री को भी चुनती है और ये सौभाग्य काशी की जनता को हम देख रहे हैं कि पिछली दो बार से मिलता रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर काशी में उनका नाम बीजेपी ने घोषित किया है। देखिए ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हमारी सनातन परंपरा क्या है, सर्वे भवन्त सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ये दिखाता है कि हम दुनिया के कल्याण की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबको साथ लेकर सबका विकास होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमारी सनातन परंपरा भी ये कहती है कि सभी का कल्याण हो, तो भारतीय परंपरा हमेशा रही है जो सभी के कल्याण की कामना करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेवक के तौर पर लगातार इस बात को कहते हैं कि समाज के वंचित व्यक्ति की चिंता सरकार करती है। तमाम उन योजनाओं के जरिए हम देख रहे हैं कि आज उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया गया। थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा, ये जो इस वक्त जलाभिषेक हो रहा है ये हमारे दर्शक इसको देख सके। पितरम मोतमातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो
यद्विगीमदे पदीनां पदये नमो नमो हरिकेशायो पवीतिने पुष्टानां पदये नमो वारिवकिदायौ खदीनां पदये नमो नमो मन्त्रिणे पाणिजाय कक्षाणां पदये चैर्घोकाया क्रन्दयते पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते व्याधिन अव्याधिनीनां पदये नमो नमो श्रिकायिभ्यो जुगागुसतो मुष्टतां पदये नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्य चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपदिभ्य चवो नमो नमो दिनिभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिकमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवा चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वाग्रतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्य चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपदिभ्य चवो नमो नमो दिनिभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवा चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्वा जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसं ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रद्वचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्य चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपदिभ्य चवो नमो नमो दिनिभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिरण्यगुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः
आवदनामि शतशारदाय जरदस्थिर्जथा साम्माजेन बद्धो बली राजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेम जरदस्थिर्जथा साम्माजेन बद्धो बली राजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेम मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विविध तरह से जो पूजा है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान विश्वनाथ की, शिव जी की पूजा है, रुद्राभिषेक करते हुए और उसके बाद जो अर्चना है प्रभु की वो करते हुए यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम जब बात पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं तो कभी काशी की जब बात होती थी तो जो सारा राजनीति का केंद्र था वो काशी हुआ करता था, लेकिन पिछड़ापन भी उसकी सियासत का एक बड़ी बात रहा करती थी। निखिल, देखिए मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी जो सनातन परंपरा रही है, जो भारतीय परंपरा रही है, जो सिर्फ मानवता के कल्याण की बात नहीं करती, जीव जंतु पशु पक्षी यानी पूरे वायुमंडल के हर जीवों के कल्याण की, हम सिर्फ देश के कल्याण की बात नहीं करते, हम दुनिया के कल्याण की बात करते हैं और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया, हमने देखा है कि बीजेपी ये आरोप लगाती रही। आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, ये एक नई तस्वीर जो है ये हमारे सामने आई है, त्रिशूल धारण किया कुछ क्षणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ भी देखिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और ये एक योगी के स्वरूप में, योगी आदित्यनाथ हालांकि उनके बगल में खड़े हुए हैं, लेकिन जो शिव भक्त के रूप में, ये देखिए ये तस्वीरें अद्भुत हैं। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विश्वनाथ की, और यहाँ पर देखिए जो भक्त जुटे हुए थे वो भी मोदी मोदी के नारे से, ये पूरा जो वातावरण है काशी विश्वनाथ का ये गुंजायमान हो उठा है। तो ये निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बयां करती हैं कि औढ़रदानी शिवशंकर भोलेनाथ जैसे देव हों, देवाधिदेव शंकर हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शिव भक्त हो, तो ये जो छटा है, ये जो मुहूर्त है, ये और स्थान विशेष हो जाता है। यहाँ भी जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आप सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किस तरह से सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ये जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। जी देखिए निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और चारों तरफ आप जो यहाँ भक्तगण आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि जब भगवान शिव की बात होती है, शिव सबके हैं, वो सभी की चिंता करते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जब जो उनके शरण में जाता है वो उसका जो कष्ट है वो निवारण करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच भी यही है कि कर्ता करे सो कर सके, कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, और तीन गुण नौखंड में
शिव से बड़ा न कोई, तो शिव की महिमा तो अपरंपार है, उनकी चर्चा करेंगे अगर आज हम, तो शायद ये कार्यक्रम हमको बढ़ाना पड़ेगा शैलेंद्र। लेकिन शिव के साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एसोसिएशन है और जिस तरह से काशी की जनता उसको लेती है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। निखिल वही बात मैं कह रहा था कि एक शिव भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार है वो देखिए वो सबकी चिंता करती है। तमाम 2014 के बाद आप उन योजनाओं को देखें किस तरह से वंचित तबके के को एक सहारा दिया गया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना भारत में चल रही है जिसमें आप 50 करोड़ से अधिक लोगों को आप देखते हैं कि एक हेल्थ कवर मिला है जिसमें वो अपने इलाज की चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन कोरोना के बाद से दिया जा रहा है और दुनिया अचंभित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने इतने वर्षों से इस सफलतापूर्वक इस योजना को न केवल क्रियान्वित किया है बल्कि जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया है कि वो एक शानदार योजना के तौर पर लोगों को राहत के तौर पर काम आए और उसे 5 वर्ष और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आप देखें कि हाँ भाई ये मोदी जी है और मोदी जी अपने धर्म के साथ इतने जुड़ गए हैं कि वो मतलब पीएम होते हुए भी कोई कसर नहीं छोड़े। हर पूजा में वो आज मतलब दिखते हैं हमें, हर मंदिर में जाते हैं, हर भगवान की पूजा करते हैं। जब जब से हमने उनको देखना स्टार्ट किया था ना तब से भाई हमने उनको एकदम ऑनेस्टी से ये सब काम करते हुए देखा है, चाहे अपने देश की बारी हो या मंदिरों की बारी हो, वो हर चीज़ को सच्चाई के साथ करते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई आज हमने ये देखा काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर वो बाबा भोलेनाथ शिव जी की पूजा करने थे और बाबा विश्वनाथ भी कुछ नाम ले रहे थे और भी मतलब कुछ वहाँ पर शिवलिंग था या जो भी था उसमें घी भी चढ़ा रहे थे और जल गंगा जल भी बोल रहे थे और भी मेरे ख्याल में कुछ शहद था भाई वो जो मधुमक्खी का वो भी कुछ था या कुछ था, बट सब कुछ मतलब पूरी भाई ईमानदारी के साथ किया और शिव जी का त्रिशूल भी हाथ में लिया। जब से जैसे ही एंट्री ली तब से ही भाई पूजा में मगन हो गए थे। तो वो ये मोदी की खास बात है और उनकी साइड में योगी जी भी साथ थे तो बहुत अच्छा लगा। आज का ये वाला जो मंजर हमने देखा एकदम नया था हमारे लिए, मोदी जी को एकदम फूलों के साथ भर दिया भाई, बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो। हाँ भाई मोदी जी जब भी हमने पूजा में देखा है ना बड़ा भाई खो जाते हैं पूजा में, जो कि हमने आज तक मोदी जी को जैसा देखा है भाई जिस भी भगवान जी का वो भाई पूजा करते हैं ना बड़े दिल से करते हैं और कितने रिस्पेक्ट से भाई करते हैं ना ये मैं देखकर हैरान हूँ। नहीं तो भाई इतने बड़े लोग होते हैं ना बस जल्दी करो भाई मुझे जाना है भाई बस पूजा हो गई, नहीं ये मोदी जी भाई इतना बड़ा इंसान होकर पीएम होकर भारत का भाई वो ऐसे पूजा करता है ना भाई सीरियस होता है बड़ा फोकस होता है, पर वो जो दूसरे पंडित थे ना उसकी जगह पर योगी जी होते ना तो भाई कमाल हो जाता। बाकी यार बड़ा मज़ा आ रहा है ये मोदी जी है ना मैं इस बंदे का रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि भाई वो अपने धर्म के साथ बड़े जुड़े हुए हैं एकदम से रिस्पेक्ट करते हैं अपने धर्म। हमारे वाले तो भाई मस्जिद का मुंह भी नहीं देखते आराम को नमाज भी कुर्सी में पढ़ते हैं बस। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया आज बड़ा अच्छा लगा, जो शिवलिंग के ऊपर पूजा चल रही थी और भोलेनाथ का जो त्रिशूल उठाया वो बड़ा जोश वाला लग रहा था मुझे। काफी हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो जनता से खुश है भाई। आज भी देखो काशीनाथ के मंदिर में भी कितनी सारी जनता पब्लिक भाई उनके लिए खड़े हुए थे। बस यार दुख मुझे एक बात का है सबसे यार, आज नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को ले आते ना तो और मजा आ जाता। चलो उसको साइड भी कर देते मगर बैठा होता ना मजा आ जाता यार। मजा तो हमें भी आया जब भी भाई मोदी जी को देखा है ना पूजा करते हुए भाई रियल में ऐसे ही मजाक नहीं भाई रियल में करते हैं भाई, मैं तो हैरान हो गया हूँ कैसे यार नरेंद्र मोदी देश को भी साथ रहे। बिल्कुल दोस्तों पीएम मोदी जी का ये वीडियो हमने देखा, पूजा देखी, दर्शन देखा, उनके जरिए हमने भी मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर देखा, चमक रहा था पूरा गोल्डन भाई मंदिर और जो भी रस्में थी इनकी उन्होंने अच्छे से निभाई, हमें बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में बैठे हुए हमने ये सब देखा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।